दोस्तों देखा जाए तो बड़े ही रोमांचक मैच में लखनऊ सुपर जायंट ने मुंबई इंडियन को 5 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही लखनऊ सुपर जायंट पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। बता दें कि मोहसिन खान ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए लखनऊ को जीत दिलाई। आखिरी ओवर में जीत के लिए मुंबई को सिर्फ 11 रन चाहिए थे, लेकिन टीम डेविड और कैमरन ग्रीन की जोड़ी 5 रन ही बना सकी। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2023 का 63वां मुकाबला इकाना स्टेडियम में खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट की शुरुआत अच्छी नहीं रही और बेहरन ड्रोव ने मैच की तीसरी ओवर की पहली गेंद पर दीपक हुडा को आउट किया। उसने सिर्फ 5 रन बनाए और दूसरी गेंद पर पररक मनकन को ईशान किशन के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लिए। उसके बाद 35 रनों के स्कोर पर 6 ओवर की पहली गेंद पर पीयूष चावला ने काउंटर टिकट को ईशान किशन के हाथों कैच कराकर लखनऊ को तीसरा झटका दिया। उसने 15 गेंदों पर 16 रन बनाए। उसके बाद कप्तान कुणाल पांड्या और मार्कस स्टोनिक्स ने मिलकर अच्छी बैटिंग की और दोनों ने चौथे विकेट के लिए आदर्श की साझेदारी की। कुणाल पांड्या 49 रन के निजी स्कोर पर रिटायर हट हो गए, लेकिन दूसरी छोर से मार्कस स्टोनिक्स ने अपना दशक पूरा किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखी। स्टोनिक्स ने 47 गेंद पर 89 रन की पारी खेलकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 8 छक्के और 4 चौके लगाए और निकोलस पुरन ने 8 गेंदों पर 8 रन बनाकर नाबाद रहे। और बता दें कि मुंबई की तरफ से बेहरन ड्रोव ने 2 विकेट लिए और पीयूष चावला ने 1 का शिकार किया। और दोस्तों बता दें कि 188 रनों का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने धमाकेदार शुरुआत की। रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच 90 रनों की साझेदारी हुई और 9वें ओवर की 4थी गेंद पर रवि बिश्नोई ने रोहित शर्मा को दीपक हुडा के हाथों कैच कराकर मुंबई इंडियन को पहला झटका दिया। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने 25 गेंद खेलकर 37 रन बनाए। उसके बाद रवि बिश्नोई ने 11 ओवर की पहली गेंद पर ईशान किशन को नवीन उल हक के हाथों कैच कराकर पवेलियन भेजा। ईशान किशन ने अपनी पारी में 8 चौके और 1 छक्का लगाया और 39 गेंदों पर 59 रनों की लाजवाब पारी खेली। आज सुपरस्टार सूर्य कुमार यादव को उसकी जबरदस्त फॉर्म के चलते वन डाउन भेजा गया, लेकिन उन्होंने कुछ खास नहीं कर पाया और 9 गेंद खेलकर 7 रन बनाए। उन्हें यश ठाकुर ने बोल्ड करके पवेलियन भेजा। नेहल वडेरा को मोहसिन खान ने आउट किया। उसने 20 गेंदों पर 16 रन बनाए। मुंबई को आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे। टीम ने 19वें ओवर में 19 रन बना भी लिए थे। आखिरी ओवर में मुंबई को जीत के लिए 11 रन चाहिए थे, लेकिन मोहसिन खान ने सिर्फ 5 रन ही दिए। लखनऊ की तरफ से यश ठाकुर और रवि बिश्नोई को 2-2 सफलता मिली। मोहसिन खान को 1 विकेट मिला।